आपको सीधे ले चलते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। काम करते हुए उनमें हमको सफलता मिली और बहुत सारे जो चुनौतीपूर्ण विषय थे उन विषयों पर भी हम आगे बढ़े और निर्णायक रूप से आगे बढ़े। बहुत सारे हमने सख्त निर्णय भी लिए, सख्त कानून भी हमने बनाने का काम किया है उस दृष्टि से। और तीसरा कि हमने जो भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से जो भी हमने उनसे वायदा किया था, जो भी हमने संकल्प उनके सामने प्रस्तुत किए थे, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि उसमें भी हम बहुत निर्णायक रूप से आगे बढ़ गए हैं। बहुत सारे निर्णय हमने ले भी लिए हैं, बहुत सारे वायदों को हमने पूरा भी कर लिया है। उसमें आप सबको पता है उत्तराखंड पहला राज्य बना समान नागरिक संहिता का, जो विधेयक है वो विधानसभा ने पारित कर दिया। विधानसभा ने पारित करने के बाद माननीय राज्यपाल महोदय को हमने वो भेजा था, राज्यपाल महोदय ने माननीय राष्ट्रपति जी के यहाँ भेजा, माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी उसमें हमको स्वीकृति दे दी है। और जल्दी ही, क्योंकि उसके लिए उसको अमेंडमेंट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए एक कमेटी हमने बना दी है, वो कमेटी अपना काम कर रही है, उसमें अनेक सदस्य हैं, अनेक अनेक अलग अलग विभागों के लोग हैं, वो जल्दी ही उस एक्ट को धरातल पर उतारेंगे। जल्दी जितना समय लग रहा है प्रक्रिया के तहत, तो जैसे ही वो बनकर तैयार हो जाएगा, तैयारी हो जाएगी, तो ये कानून हमारा उत्तराखंड के अंदर लागू हो जाएगा। उससे बहुत सारी जो आज होने वाली जरूरत के जो जरूरत की चीज़ें हैं, शादी बारात और इनमें रजिस्ट्रेशन से लेकर जो अन्य जो कठिनताएँ जटिलताएँ हैं, आसानी से उसमें किया जा सकेगा। उसमें जो भी प्रावधान किए गए हैं, बीच में ये भी आया था कहीं कहीं कुछ संदेह जैसी स्थिति लोगों ने व्यक्त भी की थी, लेकिन हमने कहा है कि जैसे ही ये एक्ट हमारा लागू हो जाएगा उन सबके संदेह दूर हो जाएंगे। सबके भले के लिए, सबके अच्छे के लिए हम ये कानून लेकर आए हैं और इससे जहाँ महिला सशक्तिकरण होगा, उनकी सुरक्षा होगी, बच्चों के भविष्य को भी सुरक्षित किया जाएगा, बुजुर्गों का भी ध्यान रखा जाएगा, पुरुष वर्ग की भी सुरक्षा उसमें सुनिश्चित की गई है, लिविंग रिलेशनशिप के विषय पर और अन्य विषयों पर। सभी जो हमारे विधि के विशेषज्ञ हैं, जानकार लोग हैं, अनेक अनेक स्टेक होल्डर हैं, सबकी सलाह पर और सबके सुझावों के आने के बाद इसको ड्राफ्ट बनाया गया था और उसी को अमेंडमेंट में लाया गया है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा नकल को लेकर एक बड़ा यहाँ पर बरसों से ये अपराध होता था। हमारे बच्चे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेते थे, उनके साथ जिस प्रकार से उनकी मेहनत के साथ जिस प्रकार से धोखा होता था, उस धोखे को समाप्त करने का काम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर उन वायदों का जिक्र किया। जब सत्ता में ये लोग आए थे तो क्या वायदे क्षेत्र की जनता से किए थे और उनमें से कितने वायदों को पूरा किया, क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे, ये बातें वो गिनाते बताते दिखाई दिए। यूसीसी को लेकर के उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जहाँ पर यूसीसी को लागू किया गया, वहीं साथ ही नकल को लेकर के जो सख्त कानून उत्तराखंड सरकार की तरफ से राज्य में लागू किए गए उसके बारे में भी वो बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आपको बता दें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप लाइव देख रहे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जनता से वायदे किए गए थे सरकार द्वारा, उन वायदों को पूरा करने के लिए किस तरीके से दिलो जान लगा दिया गया और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम किया, ये गिनाते बताते दिखाई दिए। यूसीसी को लेकर के भी उन्होंने अहम बातें कही कि देश का पहला राज्य बना यूसीसी लागू करने वाला, और यूसीसी को लेकर के हमने पहले ही कहा था कि हम इसे लागू करके रहेंगे। साथ ही नकल को लेकर के, देखिए जो मेघावी छात्र होते हैं नकल की वजह से कई बार
उन्हें खासा नुकसान भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो नकल करने वाले छात्र हैं वो बाजी मार ले जाते हैं। तो नकल को लेकर के सख्त कानून बनाए गए हैं राज्य में, और उससे जो मेधावी छात्र हैं उनको फायदा मिलता है, ये गिनाते दिखाई दिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।